ये जो चैप्टर है पॉलीमर, इसमें बेसिकली हम लोग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीमर क्या होते हैं बताओ, पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर वो होते हैं जिसमें हमारे जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं वो एक कॉमन लिंकेज की वजह से लंबी चेन बना देते हैं। हाँ, तो पॉलीमर बेसिकली इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया। पॉलीमर में पॉली का मतलब है ढेर सारे और मर का मतलब है यूनिट। ठीक है, यहाँ देखो, द वर्ड पॉलीमर इज कॉइंड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मतलब मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर के एक लंबी चेन बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, जैसे हम लोग बहुत कॉमन सा पॉलीमर जानते हैं पॉली इथीन। तो इथीन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट करके अगले इथीन में जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसका डबल बॉन्ड टूट करके अगले इथीन में जुड़ जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 की लंबी चेन बन जाएगी। तो ये मेरे पास पॉलीथीन पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, अब पॉलीथीन हम लोग जानते हैं, नायलॉन 6-6, हम लोग नाम तो शायद नायलॉन का सुना ही होगा, कपड़ा होता है, लेकिन हम लोग नायलॉन 6-6 का स्ट्रक्चर नहीं जानते। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जब आगे चल करके हम डिटेल में जाएंगे तो हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उनसे फंक्शनल ग्रुप हैं, किस तरह की चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम ये हो सकती है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह के रिएक्शन नहीं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, पर अभी अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बताऊँगा ऐसे कि काम चल जाए। तो जैसे जो नायलॉन 6-6 है, इसमें दो मोनोमर हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायामीन और एक एडिपिक एसिड। ये भी फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसको ये इन दोनों को जुड़ा जोड़ करके नायलॉन 6-6 बन गया। अब आगे चल कर देखते हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पहला क्लासिफिकेशन है सोर्स के बेसिस पे, तो नेचुरल पॉलीमर्स जो कि नाम से क्लियर है, जो नेचर में मिलते हैं। तो कॉटन नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन में जो तुम्हारा धागा है, एक्चुअली सेलुलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, कॉटन नहीं कहना चाहिए, सेलुलोज कहना चाहिए, ठीक है ना। प्रोटीन्स जो है वो नेचुरल पॉलीमर है, स्टार्च नेचुरल पॉलीमर्स हैं, रबर अपने आप में नेचुरल पॉलीमर, हम नेचुरल रबर बनाते नहीं, नेचर से मिल जाता है। फिर दूसरा इन्होंने कहा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो जैसे एक पॉलीमर का इन्होंने नाम दिया रेयॉन, तो रेयॉन जो है वो सेलुलोज एसिटेट है, इसका मतलब मैंने नेचर से सेलुलोज लिया। रिकॉर्डिंग चल रही सिप्पी, तो जैसे ये केमिकल है सेलुलोज एसिटेट, तो इसमें हमने नेचर से सेलुलोज लिया और उसको किसी चीज़ से रिएक्ट करके उसका एसिटेट बनाया। तो ये नेचुरल भी नहीं है, हम एसिटेट अपनी तरह से जोड़ रहे हैं, और ये सिंथेटिक भी नहीं, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट भी है। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब पार्शली सिंथेटिक, पार्शली नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर सिंथेटिक पॉलीमर मतलब ऐसी चीज़ जो कि नेचर में अपने आप नहीं पाई जाती है, हमने उसको अलग से ही बनाया, जैसे पॉलीथीन में इथीन से हमने प्लास्टिक बना लिया, ठीक है। नायलॉन 6-6 अभी हमने पढ़ा, बहुत सी रबर्स ऐसी हैं जो कि सिंथेटिक है, तो ब्यूना एस, तो अभी ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आगे चल करके हम लोग ब्यूना एस नायलॉन 6-6 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए अभी ये वर्ड नया है कि ब्यूना एस क्या आ गया, लेकिन आगे चल करके ब्यूना एस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चर पे, तो स्ट्रक्चर के तीन क्लास हो गए। पहला हो गया लीनियर पॉलीमर, लीनियर मतलब सिंपल लाइन जैसे हैं, कोई साइड में कुछ नहीं है। दूसरा है ब्रांच्ड, इसका मतलब लीनियर पॉलीमर ही है लेकिन बीच बीच में साइड में चीज़ निकली हुई थी। तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा पॉली इथीन, तो वो CH2 जैसी चीज़ था, तो वो लीनियर हो गया। 9966 नहीं, लेकिन अगर पॉली इथीन की जगह पर सपोज करो एक दूसरी तरह की पॉली इथीन होती है, ये हाई डेंसिटी पॉली इथीन होती है, लो डेंसिटी पॉली इथीन में बीच बीच में चेन साइड में निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी ब्रांच पॉलीमर हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली देखो क्या होगा, जब चीज़ें अगर सारी लाइन लाइन होंगी तो अच्छे से पैक होंगी, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर मान लो इधर उधर साइड चेन निकली हुई तो बीच में गैप होल हो जाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो पॉलीथीन के दो ब्रांच, जैसे मैं तुमको बता दूँ एग्जैक्टली स्पीकिंग, जैसे मान लो बहुत सी पॉलीथीन ऐसी होती है, जैसे हमारा सॉस की बॉटल जो सॉफ्ट होती है, सॉस की बोतल दबा देते हैं पिचिस करके उसमें से सॉस निकल आता है, तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, उसमें हार्डनेस भी नहीं उतनी। लेकिन उसी के बोतल मैं तुमको ऐसी बोतल भी दे सकता हूँ प्लास्टिक की, जो उतनी ही मोटी होगी लेकिन उसको दबाओगे तो
दबेगी नहीं, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। ठीक है, तो दो दो अलग अलग तरह की पॉलीथीन है, दो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचिंग हो सकती है, ब्रांचिंग नहीं हो सकती है। ब्रांचिंग होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अलग एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर अलग है और अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है क्रॉस लिंक्ड और नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, तो सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर लिया, तीसरा है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो इन्होंने कहा कि ये बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर से बनते हैं। अभी बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल क्या है थोड़ा रुक करके बताएंगे। या चलो बता देते हैं, तो जैसे पॉलीथीन थी, पॉलीथीन में क्या था कि एक इथीन का मॉलिक्यूल था, एक इधर जुड़ रहा था एक उधर जुड़ रहा था, तो ऐसी चीज़ को हम बाई फंक्शनल कहेंगे। तो सारी की सारी एक, मतलब एक पॉलीथीन है, एक लेफ्ट में जुड़ गई एक राइट में जुड़ गई, फिर अगली पॉलीथीन है उसने एक लेफ्ट में जुड़ गई एक राइट में जुड़ गई। तो जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी कि सब में दो ही दो जॉइंट हों, तो क्या हो जाएगा, एक के बाद एक जोड़ते चलेंगे, मुझे हमेशा चेन ही मिलेगी, इसमें कभी भी गैप्स या साइड नहीं। में कोई चीज़ नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन नेटवर्क पॉलीमर्स में साथ ही साथ हम थोड़े से ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ट्राई फंक्शनल का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल तीन जगह से रिएक्ट कर सकता है। तो दो ने तो चेन बनाई और तीसरा साइड में एक चेन ले करके चला, जो कि किसी दूसरी चेन के तीसरे में जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे जो मोनोमर होगा वो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से इधर जुड़ा से जुड़ा है एक और एक ब्रांच नीचे जुड़ा है, और वो हाँ नीचे जा करके यहाँ पर भी, ये तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ट्राई फंक्शनल है, जो कि आपस में जुड़ गए, तब इसमें नेटवर्किंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स के, जैसे एग्जाम्पल दिया बेकेलाइट। अब बेकेलाइट वो चीज़ होती है जिससे स्विच बोर्ड बना होता है। ठीक है, अब हार्ड, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग ना लगे। मेलामाइन, पता नहीं तुमको पता है कि नहीं, जो प्लास्टिक की प्लेट्स प्लेट होती होती हैं है वो हाँ मेलामाइन की प्लेट होती हैं। तो अब ये चीज़ें बहुत ही हार्ड, तो अभी कम से कम क्या, अभी क्या था, एक वो लीनियर पॉलीथीन के नाम पे, सॉरी सॉस सॉरी गलत गलत, एक सॉस की बोतल वाली पॉलीथीन थी जो इतनी सॉफ्ट थी कि रूम टेम्परेचर पर दब जा रही थी, फिर एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन थी जो इतनी हार्ड थी कि रूम टेम्परेचर पे तो नहीं दबा पा रहे थे, मेल्ट लेकिन करेंगे गर्म कर दें तो करेंगे तो पिघल जाएंगे, पिघलेंगे और जो तुम्हारी प्लेट है उसमें गर्म खाना डाल दो तो ये नहीं पिघल गई, वो तभी भी हार्ड रहेगी, तो वो क्रॉस लिंकिंग बढ़ गई तो वो हार्ड हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड हैं, ये तीन नाम तो हैं, साथ ही साथ ये प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगली बात आ गई इसमें क्लासिफिकेशन, वंडरवॉल फोर्स और ये सब जैसी चीजें काम नहीं आती है वो तो है ही है, लेकिन अगर बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो अलग, जैसे मान लो पॉलीथीन है, खाली लीनियर पॉलीथीन है या वो है, तो उसमें जो मेरे मॉलिक्यूल चेन है और आपस में दो चेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं वॉन्ड्रोवॉल फोर्सेस से, लेकिन अगर दोनों चेन के बीच में मैं कोवेलेंट लिंकेज बना लूँ तो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगा ना। एक बहुत ही छोटी क्लास में तुमने चीज़ पढ़ी होगी जो इंपॉर्टेंट है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर कैसी चीज़ है, वो उसमें इतनी जो हल्की कि पेंसिल से कॉपी पे रगड़ दो तो छूट जाए, और भाई है जो ना, क्रिकेट और पैड उसी उसी में में क्या कहते हैं, क्रिकेट नहीं, उसी में हम थोड़ा सा सल्फर मिला के हीट कर देंगे, उसी का टायर बना देते हैं, गाड़ी जलती है, ब्रेक मारते नहीं घिसता, मतलब वो रबर जो हम हाथ से कागज पे रगड़ के घिस देते हैं वो गाड़ी का टायर में घिसे नहीं घिसता। तो वो क्या है, खाली क्या हुई, क्रॉस लिंकिंग डाल दी, तो क्रॉस लिंक भाई वॉन्डरवॉल फोर्सेस बहुत वीक नहीं हैं। नहीं वो नहीं, मैं ये कह हाँ रहा हूँ कि जैसे उसमें तो नहीं लगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, हाँ लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से वॉन्डरवॉल फोर्स जो हमारा उसके ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल होता है तो उससे वो पॉइंट घट नहीं जाता हमारा, नहीं तो वो तो वंडरफुल, वो वंडरवॉल उसके जरिए फोर्सेस कम है ही होने की वजह से नहीं, तो ये तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे हम क्या बात करते थे, हम बात करते थे जैसे मान लो हम कहें कि ब्यूटेन या आइसोप्रोपेन में, आइसोप्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम हैं बिकॉज ब्रांचिंग और सर्किट से ब्रांचिंग हो कम गई है। है। तो वैसे ही बात एच डी पी और एल डी पी में ही हो रही है, जैसे मान लो एच डी पी में लीनियर है, एच डी पी हाई हाई डेंसिटी डेंसिटी पॉलीथीन है अच्छा ना, जो लीनियर वाली थी इसीलिए तो वो थोड़ी हार्ड है, और ब्रांचिंग हो गई तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कम हो गई। ठीक है ना, लेकिन चूंकि दोनों ही सॉलिड हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लो। ठीक
अच्छा, तो इन्होंने कहा अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पर है। तो दो तरह के पॉलीमर्स हैं, एक एडिशन पॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। जैसे देखो, जब पॉलीथीन बना तो दो CH2 के मॉलिक्यूल, मतलब दो नहीं NCH2 के मॉलिक्यूल जुड़ करके CH2 CH2 की लंबी चेन बना गए। ये जो चीज़ें हैं ये एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या है? मोनोमर खाली एक के बाद दूसरे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर का अगर एग्जांपल देखें तो देखो, अभी हम वापस वही नायलॉन 6-6 पे आ गए। अब हम पहली बार तुमको थोड़ा डिटेल में जाएंगे दिखाएंगे। तो नायलॉन 6-6 में पहला जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायामीन, मतलब 6 CH2 यूनिट है, इसलिए हेक्सा मिथाइलिन और और दो डायामीन आदमी मतलब दोनों तरफ NH2 हैं। हैं। और दूसरा ये मॉलिक्यूल है एडिपिक एसिड, जिसमें बीच में 4 CH2 हैं, दोनों तरफ COH है। अब जब देखो ये बॉन्ड बना रहा है तो COH का OH और NH2 का H मिल H2 करके वाटर बना दे रहे हैं और यहाँ पर NHCO बन जा रहा है। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें जब नए बॉन्ड बनते हैं तो बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। तो कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाई रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट्स। तो दो या तीन फंक्शनैलिटी वाले मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे। इस रिएक्शन में द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एटसेट्रा टेक्स प्लेस। तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो नए नए हर हर रिएक्शन पे एक मॉलिक्यूल निकल आएगा। वो वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो सकता है, HCl का एग्जांपल हो सकता है। तो जैसे हमारा टेरिलीन आगे चल करके जो पॉलीएस्टर होता है ना, पॉलीएस्टर सुना, वो भी एक तरह का पॉलीमर है। तो पॉलीएस्टर का मतलब ये, उसमें एक वही एसिड होगा, एक अल्कोहल होगा, वो रिएक्ट करके एस्टर बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि एडिशन पॉलीमर में कुछ निकल नहीं रहा है, बस खाली चीज़ जुड़ती ऐड चली हो जा जा रही रही है। अच्छा, एक और वर्ड इन्होंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिया जो जानना ज़रूरी है, मैंने बताया नहीं पिछली बार में जानबूझ के, क्योंकि मैं एडिशन और कंडेंसेशन में बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। एक और वर्ड इन्होंने बोल्ड करके यहाँ दिखा, होमो होमो पॉलीमर पॉलीमर। और को पॉलीमर। तो होमो पॉलीमर में क्या होता है, सारे मोनोमर एक जैसे होते हैं। जैसे पॉलीइथीन जो है वो इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बनी है। लेकिन एक दूसरा चीज़ है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ब्यूना एस, ये एक तरह की आर्टिफिशियल रबर रबर है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, एक है ब्यूटाडाइन और एक है स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ब्यूना एस बनाते हैं। तो ब्यूना एस के स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो ब्यूटाडाइन में चार कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड है। अब जब रिएक्शन करने की बारी आएगी तो ये डबल बॉन्ड बीच में चला चला जाएगा जाएगा और वो वाला और ये बाहर डबल चला बॉन्ड जाएगा। आगे चला जाएगा। तो ये CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये तो ब्यूटाडाइन से आया है। और स्टाइरीन पॉलीथीन जैसी ही चीज़ है जिसमें से एक हाइड्रोजन की जगह पर बेंजीन रिंग लग गई, C6H5 लग गई है। जी तो CH के ऊपर बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये एक बॉन्ड सा CH2 चला सी एच जाएगा। सी सिक्स एच फाइव ये स्टाइरीन से आया है। अब ये को पॉलीमर होने का मतलब ये है कि पहले एक ब्यूटाडाइन लगेगी, फिर एक स्टाइरीन, फिर एक ब्यूटाडाइन, फिर एक स्टाइरीन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर एक स्टाइरीन। तो को पॉलीमर में क्या हो जाएगा, दो मोनोमर होंगे या तीन भी हो सकते हैं, वैसे नॉर्मली दो होते हैं, दो सीक्वेंस में मोनोमर बता होंगे दो। क्योंकि ए बी ए बी ए बी ए बी करके जुड़ेंगे, जी ठीक है ना। जैसे मोनोमर ए फिर मोनोमर बी फिर मोनोमर ए मोनोमर। तो ये तुम्हारा को वो हो गया को पॉलीमर हो गया, पॉलीमर ठीक है, और वो होमो पॉलीमर हो साइड गया। के दो डबल बॉन्ड जो है वो बीच वाले पे एक आ गया, मतलब हाँ, क्योंकि उधर उधर से ये उसके वाला दो डबल बॉन्ड बॉन्ड मिले यहाँ हैं। आ गया, हाँ ये ये वाला वाला बॉन्ड आगे आ गया, अच्छा ये वाला बॉन्ड आगे भाग गया, वो और ये डबल वाला बॉन्ड। बॉन्ड अगली ब्यूटाडाइन में जाके जुड़ गया। फिर ध्यान से देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड जो ब्यूटाडाइन का पहला डबल बॉन्ड था वो बीच में आ गया, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बना तो इसका वाला डबल बॉन्ड पॉलीस्टरीन और ब्यूटाडाइन के बीच में आ गया, और जो पॉलीस्टरीन का डबल बॉन्ड था वही वो तो आगे जाकर के अगली अगली ब्यूटाडाइन में ब्यूटाडाइन ठुक में लग गया गया। अच्छा है। इस तरीके से पॉलीमर हुआ। इथीन में भी यही हो रहा था, ये डबल बॉन्ड अगली इथीन और में चला उसका गया आगे और चला उसका गया। अगली इथीन में चला गया, उसका अगली इथीन चला गया। वैलेंसी सेटिस्फाई होनी होगी ना, ठीक इसमें है, इसमें दिख इसमें दूसरा डबल बॉन्ड दिख क्योंकि वो वाला है क्योंकि क्या? आगे चला गया ना भाई। ये वाला डबल बॉन्ड बीच में आया तो दिखाई दे रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड दोनों के बीच में जुड़ा तो गायब हो गया, और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों के बीच में जुड़ा तो गायब हो गया। अच्छा
अब अगला सवाल पूछ रहे हैं, देखो एग्जांपल पूछ रहा है, उन्होंने पूछा इन CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH के ये CC के रिचार्ज लिखा है, पर ऊपर लगा होगा ना, वो दो वैलेंस है ना, एक हाइड्रोजन एक है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग इज अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, तो चूंकि हमको पहले पढ़ाया गया है तो ये बेसिकली स्टाइरीन ही है ये चीज़ ना, तो एक के बाद एक स्टाइरीन रिपीट हो रही है इसलिए होमोपॉलीमर है, ठीक है। अगला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो दिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ों के बीच में फोर्स बहुत कमज़ोर होंगे, कुछ में उससे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि एलास्टोमर, ये वर्ड हमको पहले पता है, एलास्टोमर का मतलब होता है रबर्स, ठीक है, तो एलास्टोमर्स आर दीज आर रबर्स लाइक सॉलिड्स विद एलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इनको आसानी से खींच सकते हैं, लंबी हो जाएंगी, तो इन दीज इलास्टोमेरिक यूनिट द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीकेस्ट इंटरेक्शन फोर्सेस, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से हिसाब देखें तो वीक है, तभी आसानी से खींच पा रहे हैं ना। जैसे मैं तुमको क्या कहते हैं, एक जितनी मोटी एक रबर है उतनी मोटी अगर प्लास्टिक का टुकड़ा दे दो तो उसको खींच नहीं सकते हो, लेकिन तुम रबर को खींच सकते हो। जैसे कह रहे हैं कि वीक है उसका, वीक फोर्स है, तो जैसे अगर खींचेंगे तो टूट ही जाएगा ना, तो वो एक अलग बात, ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, वो भी हो जाएगा, अब वापस कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नहीं तो अगर उतना नहीं खींचा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, किसी भी चीज को, जैसे मान लो इसी, जैसे मान लो मेरे पास कॉफी है ये, इसको मैं खींचू तो ज्यादा खींच दूंगा टूट जाएगा, और अभी जब खींच रहा हूँ तुमको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ये भी खींच रहा है, ठीक है ना, खींच सब चीज खींच रही है, छोड़ दोगे तो वापस वहीं चली जाएंगी, ज्यादा खींच दोगे टूट जाएंगी, हर चीज खींच चाहिए। अब ये है कि इसमें जो भी फोर्सेस वीक हैं तो स्ट्रांग है, इसलिए बहुत बहुत कम खींच रहा है, वो आसानी से खींच जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनमें क्या है, दे हैव द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेस परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, क्योंकि वीक है इसलिए खींच सकते हैं। अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन्स विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड एज इन वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्रॉस लिंक लगा सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए ब्यूनाइस, ब्यूनाइन और नियोप्रीन, चिंता मत करना आगे चल करके हम लोग ये अलग एक टॉपिक पढ़ेंगे रबर्स का, उसमें ये सारे मॉलिक्यूल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ब्यूनाइस का नाम तो सुन रखा था, वैसे एक चीज़ ब्यूना एन है, ब्यूना एन में जैसे वहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई थी वैसे वो ब्यूटाडाइन और एक्रेलोनाइट्राइल एक कंपाउंड होता है जो वहाँ पे साइनाइड ग्रुप लग जाता है, तो मतलब सेम सा कंपाउंड बस बेंजीन रिंग की जगह साइनाइड लग गया, और नियोप्रीन अभी बताएंगे, ये देखो यहाँ बताना होगा। खैर फाइबर्स अगले आ गए, फाइबर्स जो हैं उनमें बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसका मतलब वो अच्छे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजिसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस, जितना पतला एक तागा होता है अगर मैं तुमको उतनी पतली प्लास्टिक दे दूँ तो खींच के तड़ से तोड़ दोगे, लेकिन तागा आसानी से उतना, तो तागा हमको फ्लेक्सीबल दिखाई देता है क्योंकि बहुत पतला है, लेकिन जितना मतलब तागा है उतनी पतली दूसरी चीजों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांगेस्ट है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो नाइलॉन 6-6 है, इसका ये NH निकला हुआ है, ये CO निकला हुआ है, वापस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वैन डेर वाल्स तो मजबूत नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेटर होंगे। दीज स्ट्रांग फोर्सेज ऑल्सो लेड टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स एंड दस इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, द एग्जाम्पल्स आर पॉलीएमाइड्स जैसे नाइलॉन 6-6, एमाइड होते हैं एसिड और एन अमीन्स के रिएक्शन वाले, तो अभी मैं नाइलॉन C डबल बॉन्डो NH2, तो जैसे क्या कहते हैं अभी हम लोग नाइलॉन 6-6 पढ़ रहे थे, तो हेक्सा मिथाइलिन डायामीन में अमीन था और एडिपिक एसिड में एसिड था, और दोनों आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना रहे थे, तो वो एक तरह का पॉलीएमाइड हो गया, एसिड और अमोनिया का रिएक्शन क्या हुआ, इस जगह पे देखते हैं पॉलीएमाइड, ये NH2 है और ये एसिड है, तो एसिड और अमोनिया के रिएक्शन करके ये जो ग्रुप बना इसका नाम है एमाइड, और ऐसा एक एमाइड तो है नहीं, ढेर सारे एमाइड, इसलिए पॉलीएमाइड है, ठीक है। ऐसे अगले वर्ड आया पॉलीएस्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, तो पॉलीएस्टर का क्या मतलब, वो एक तरफ एसिड होगा एक तरफ अल्कोहल होगा, दोनों मिलकर के एस्टर बना रहे होंगे, और पॉलीएस्टर का मतलब एक से ज़्यादा एस्टर, ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने एग्जाम्पल ये थर्मोप्लास्टिक, तो उन्होंने कहा दे आर लीनियरली और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन
मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, तो पॉलीएमाइड्स, सॉरी थर्मोप्लास्टिक्स की क्या ब्यूटी है, इनको गर्म कर दो तो मेल्ट हो कर जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा कर दो तो फिर से कड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक तो पॉलीथीन, तो इसका एग्जाम्पल ही हम देखते हैं ना, तो मतलब पॉलीथीन का रॉड गर्म कर दो तो सॉफ्ट सा हो जाएगा, फिर ठंडा कर दो फिर कड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल पॉलीथीन तो है। उसके अलावा इन्होंने कहा, कहाँ गया, अभी नीचे एग्जाम्पल है, सॉरी गलती हो गई, पॉलीथीन है, पॉली स्टाइरीन है, पॉली विनाइल क्लोराइड है, इस तरह की चीज़ें हैं। इन्होंने कहा दीज पॉलीमर प्रोसेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। तो प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है, वो रबर से मजबूत है लेकिन नायलॉन से कमजोर है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये तीनों बीच में आते हैं कहीं, मतलब सॉरी ये इन दोनों के बीच में आते हैं। और एग्जाम्पल पॉलीथीन तो है ही, पॉलीस्टाइरीन हमने देख लिया क्या चीज़ है, ऐसे एक चीज़ है पॉली विनाइल फ्लोराइड, बल्कि उन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया पॉली विनाइल्स। तो विनाइल क्या चीज़ है बता दूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। ठीक है ना, अब अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पर कोई चीज़ लगा दूँ तो उस ग्रुप का नाम होता है विनाइल। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH का CL लगा दिया तो ये विनाइल फ्लोराइड हो गया, और इसका पॉलीमर क्या हो गया, पॉली विनाइल फ्लोराइड। अगर यहाँ पर OH लगा देता तो विनाइल एल्कोहल होता और वो पॉली विनाइल एल्कोहल हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से विनाइल अलग अलग तरह के होंगे। तुमने शायद कहीं नाम सुना हो, वहाँ पर एसीटेट ग्रुप लग जाता है तो पॉली विनाइल एसीटेट हो जाता है। ठीक है ना, अगर अगर तुमने नाम सुना हो तो जैसे फेविकॉल है, वैसे एक प्रोडक्ट आता था वैमिकॉल, नाम सुना किसी ने, वैमिकॉल यहीं पे गजरौला में एक कंपनी है, वैम ऑर्गेनिक, सब उसने नाम चेंज करके अपना नाम जुबिलेंट कर लिया। और उसमें क्या है, तो वैमिकॉल में जो वैम नाम है उसका नाम है विनाइल एस्टेट मोनोमर। ठीक है, तो विनाइल एस्टेट जो फेविकॉल में जो स्टिकीनेस है वो विनाइल एस्टेट है, तो उसमें CH2CH है और यहाँ पर CH2COH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉलीमराइज कराएंगे तो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होगा जिसमें साइड में ढेर सारे एसिड ग्रुप निकले होंगे। अब एसिड ग्रुप में धपा धपा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो खूब आपस में चिपकेंगे, इसीलिए वो फेविकॉल जैसी चीज़ बना लेता है। एक्चुअली फेविकॉल में भी वही है और वेमिकॉल में भी वही। ठीक है, खैर उसके बाद अगली चीज़ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या है, बैकेलाइट देखो मैं एग्जाम्पल दे, अभी एक मिनट बताते हैं। इनका दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। हमने अभी नेटवर्क पॉलीमर में भी इसका नाम सुना था, बैकेलाइट का, तो ये क्रॉस लिंक होते हैं विच ऑन अंडरगो एक्सटेंस सॉरी विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। ठीक है, तो बैकेलाइट असल में ऐसी चीज़ है, हम लोग आगे चल कर डिटेल में पढ़ेंगे। बैकेलाइट में एक प्लास्टिक जैसी चीज़ लेते हैं, ठीक है, जो कि हीट करने पे मेल्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसकी खूबी क्या है कि जब उसको हीट करके मेल्ट करेंगे तो वो और रिएक्ट कर जाती है, और जब ठंडी होती है तो फिर सॉलिड बन जाती है। तो जैसे एक बार वो सॉलिड बन गई तो हम दोबारा उसको हीट नहीं कर सकते। तो थर्मोप्लास्टिक कैसी चीज़ें थी, सॉलिड थी, गर्म किया मेल्ट कर गई, ठंडा किया फिर सॉलिड हो गई, फिर गर्म किया फिर मेल्ट हो गए, ठंडा किया फिर सॉलिड हो गए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे नहीं है, इनको गर्म किया रिएक्ट कर गई, जब ठंडा किया तो सॉलिड बन गई, अब जो सॉलिड बन गई अब ये दोबारा गर्म करने पे मेल्ट नहीं करेंगी। जैसे मेलामाइन था, हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ा, खाने की प्लेट है, ये नहीं कि उसमें भैया मैगी डाली गर्म गर्म तो पिघल गई, ये नहीं कि स्विच बोर्ड में आग लगी तो हमारा स्विच बोर्ड पिघल गया, जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पिघल जाएगा तो कल को आग पकड़ लेगा, शॉर्ट सर्किट होगी तो कम से कम हमारा स्विच बोर्ड ही, मान लो अगर बेकेलाइट की बजाय मैं यहाँ पर पॉली प्लास्टिक का वो स्विच बोर्ड लगा दूँ तो पिघल जाता, आग पकड़ लेता, भर 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 कर जलने लगता, ये जलेगा नहीं है ना, काला काला पड़ जाएगा लेकिन कम्बस्चन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब रिएक्ट कैसे करते हैं, अभी दौड़ी देर रुक करके पता चल जाएगा, अभी सब चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे तो खाली क्लासिफिकेशन पढ़ना, एक एक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है,
और ये जो अगली बात लिखी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तुमने एक वर्ड यूज़ किया था एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नाउ डेज ऑल्सो रिफर्ड एज चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दे अंडरगो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो स्टेप ग्रोथ में क्या होता है, हमेशा एक में एक हर बार एक ही मोनोमर जुड़ता है। मतलब मान मेरे पास एक मोनोमर है, उसमें एक और मोनोमर जुड़ा तो दो मोनोमर हो गए, फिर उसमें एक और मोनोमर जुड़ा तो तीन मोनोमर हो गए, फिर चार मोनोमर, पांच मोनोमर, छह, इस तरह की चेन बनी। और चेन ग्रोथ में ऐसा नहीं है, इधर एक पांच मोनोमर की चेन है उसमें सात मोनोमर की चेन जुड़ गई, बारह मोनोमर हो गए, बारह मोनोमर की चेन में अट्ठारह मोनोमर की चेन जुड़ गई, तीस मोनोमर हो गए। तो चेन ग्रोथ में एक साथ कई कई मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, जबकि स्टेप ग्रोथ में एक बार में एक एक करके बनेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिविजिट करते हैं जल्दी से क्लासिफिकेशन, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। पहली बात हो गई नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, नेचर से इसमें कोई दिक्कत है, जो नेचर से मिल रहे हैं वो जो नेचर को थोड़ा ट्रीट करके मिल रहे हैं, और सिंथेटिक मतलब इसमें अलग से ही बना रहे हैं। फिर दूसरी बात लीनियर, कोई ब्रांचिंग, कुछ क्रॉस लिंकिंग नहीं, फिर ब्रांच मतलब साइड में चीज़ें निकली लेकिन दूसरी चीज में जाकर जुड़ी नहीं है, और नेटवर्क या क्रॉस लिंक साइड में चीज़ें निकली और दूसरे में जाकर के जुड़ गई। उसके बाद एडिशन मतलब दो चीज़ें आपस में मोनोमर रिएक्ट करें, कुछ साइड में नहीं निकल रहा है। कंडेंसेशन मतलब मोनोमर रिएक्ट करके साथ में वाटर जैसा मॉलिक्यूल निकाल दे रहे हैं। उसके अलावा होमोपॉलीमर मतलब सारे मोनोमर एक जैसे हैं, कोपॉलीमर मतलब दो पॉलीमर सॉरी दो मोनोमर जुड़ करके बने। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलास्टोमर रबड़ जैसी चीज़ें सबसे वीक फोर्सेस, उसके बाद फाइबर्स खूब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, थर्मोप्लास्टिक, इन दोनों के बीच में इसमें प्लास्टिक जैसी चीज़ें मतलब प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन जैसी चीज़ें, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो नाम सुना है, जो पानी की पाइप होते हैं वो पीवीसी पाइप होते हैं, तो उसको भी क्या करो गर्म कर दो तो मेल्ट कर जाएगा, फिर ठंडा कर दो फिर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर थर्मोसेटिंग, जो एक बार गर्म करके सेट कर दो तो फिर दोबारा ठंडी होने के बाद दोबारा कभी मेल्ट ही नहीं करेंगी। तो बैकेलाइट हो गया, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड्रोजन हो गया, पीछे हम लोगों ने मेलामाइन पढ़ा था ये सब, और फिर स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ, एक एक चीज जुड़े तो स्टेप ग्रोथ और एक साथ चेन पे चेन जुड़ने लगे तो चेन ग्रोथ। तो इन्होंने टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में फिर वही बात दोबारा आई, अभी रिएक्शन की नज़र से देख रहे हैं, नुहा खाली पॉलीमर का नाम दे रहे थे, अब रिएक्शन की नज़र से देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता बोर्ड में, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि जो हमारा बोर्ड का पैटर्न है वो वन मार्कर क्वेश्चंस का है। ठीक है ना, मतलब जो भी सारे क्वेश्चन हैं तीन क्वेश्चन होंगे, वो एक एक नंबर के तीन पार्ट होंगे। ठीक है, तो हम लोग जब बोर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन चूंकि लंबा लंबा लिखने का सिस्टम नहीं है बोर्ड में, इसलिए जैसे इतना लंबा पैराग्राफ है इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आए, कहीं बीच की एक लाइन का आ जाए तो बात दूसरा है, पर फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म बताया है। तो इन्होंने कहा कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है या कि चेन ग्रोथ मैकेनिज्म है, ये या तो फ्री रेडिकल से या आयनिक स्पीशीज से होता है। अब जिन लोगों को फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज नहीं क्लियर है, बिकॉज हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया गया था, वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो ये समझ लें कि संभवतः इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इन्होंने एक एग्जांपल दे करके समझाया पॉलीथीन कैसे बनाते हैं। तो पॉलीथीन बनाने में हमारी समस्या क्या है कि मेरे पास इथीन के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब हम लोग इथीन के मॉलिक्यूल की चेन बनाना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक इथीन पे दूसरा इथीन जुड़ जाएगा, दूसरे पे तीसरा जुड़ जाएगा, तो सवाल ये कि पहला इथीन किस पे जुड़ेगा। पहला इथीन जोड़ने के लिए हमको एक फ्री रेडिकल चाहिए होगा, तो एक कंपाउंड होता है बेंजोइल परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला C6H5CO2, और ऐसा दूसरा C6H5CO2 आपस में जुड़ जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे OO बॉन्ड है जो कि वीक होता है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये दो C6H5CO2 रेडिकल्स में टूट जाता है, और थोड़ा और हीट करने पे इसमें CO2 उड़ जाती है, ये C6H5 रेडिकल बना लेता है, मतलब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेडिकल बन जाता है। अब जो जो C6H5 फ्री रेडिकल है, ये एक इथीन को देखेगा तो उसका डबल बॉन्ड अपने पास खींच लेगा, C6H5CH2CH2 डॉट बन जाएगा। डॉट का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि अभी अनपेयर्ड है, ठीक है ना।
अब ये जो सी एच टू डॉट है ये एक और इथीन को देखेगा तो इसमें डॉट कर लेगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे चेन लंबी होती चली जाएगी। अब इस चेन का समस्या क्या है, इसके अंत में हमेशा एक ना एक रेडिकल है। अब जब चेन टर्मिनेट करनी होगी तो ऐसी दो चेन्स आपस में डॉट डॉट करके जुड़ जाएंगी और मेरी चेन टर्मिनेट हो जाएगी, एक लंबा पॉलीथीन का चेन बन जाएगी। ये हीट हो रहा है क्या यहाँ पर, हीट नहीं, इसका तो मतलब ये दिखा रहा है कि बॉन्ड जो है वो दोनों तरफ आधा आधा बढ़ रहा है, पर ऐसे काफ़ी ढेर सारी चेन बन जाएंगी। अब हम लोगों ने मॉलिक्यूल जब ये रिएक्शन करा रहे थे तो कितना बेंजोइल परऑक्साइड ली और कितनी इथीन ली, उसके हिसाब से अंदाजे से हमारा नंबर ऑफ मोनोमर इन पॉलीमर चेन आ जाएगा। पर ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते नहीं तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने कहा प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स में, पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो इन्होंने कहा लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इथीन को हाई प्रेशर 1000-2000 एटमोसफेयर के प्रेशर और 350 से 570 केल्विन के प्रेशर में थोड़ा सा वही परऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो क्या होता है परऑक्साइड टूट करके C6H5 जैसा फ्री रेडिकल देगा, डाई ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं और फिर उसमें जैसे पहले बताया था वैसे ही लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सीबल। जैसे मैं तुमको बता था जो सॉस की बॉटल है वो ऐसा नहीं कि उंगली मार दो तो छेद हो जाए, टफ है लेकिन फ्लेक्सिबल है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई बात ही नहीं है, और इसीलिए इंसुलेशन वगैरह करने के लिए, हाँ जैसे वायर के ऊपर इंसुलेशन करना है तो कोई ऐसी चीज़ रखेंगे मतलब वायर मुड़े ना, फ्लेक्सिबल चीज़ हो, तो वहाँ पर यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीजी बॉटल टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप, जैसे पानी देने के लिए कुछ पाइप आते हैं जो इधर उधर मुड़ जाते हैं और एक पानी का पाइप है जो बिल्कुल मुड़े ना, तो अलग अलग यूज होते हैं उस हिसाब से। अब एच डी पी जो है इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। एच डी पी इज फॉर्म एन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। दो मॉलिक्यूल हैं, एक है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर तीन इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम की वैलेंसी चार है तो चारों पे क्लोरीन लगे, तीन क्लोरीन लगे, तीन पे चारों क्लोरीन लगे, टेट्राक्लोराइड। हाँ ठीक 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 है। तो ये ज़ीगलर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट है। टेम्परेचर दे दिया और प्रेशर उतना नहीं होता है जो ये कैटलिस्ट प्रेजेंस में कर रहे हैं, बहुत ही कम। हाँ सुना, ज़्यादा प्रेशर लगता है, टेम्परेचर भी उससे कम होता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट की सरफेस पे हो रहा है इसलिए एक बार में एक ही मॉलिक्यूल जुड़ता है नियम के हिसाब से, ऐसा नहीं कोई साइड में जुड़ जाए उधर लग जाए, इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल हमने पहले पढ़ ही लिया है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती बिकॉज ऑफ क्लोज्ड पैकिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास हैं फिर वो साइड में चेन नहीं निकली इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफ एंड हार्ड, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट। अब बाल्टी बना रहे हैं तो ऐसा ना हो बाल्टी हमारी पानी के पैसे फिच फिच पैसे भिगल देना, डस्टबिन बॉटल्स पाइप्स ये दोनों ही बॉटल मतलब स्क्वीजी बॉटल्स नहीं हार्ड बॉटल हार्ड ठीक है। ऐसे ही अब इसी से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल होगा और ये पॉलीथीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे मिलते जुलते बहुत से पॉलीमर है, एसेंशली सी डबल बॉन्ड सी होगा और साइड में सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है, जैसे पॉलीथीन की तरह से सी डबल बॉन्ड सी होगा साइड में सब्स्टिट्यूएंट होंगे और वही डबल बॉन्ड जो है वो चेन बना लेगा। तो अब टेफ्लॉन मालूम है जो हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर की कोटिंग होती है, तो टेफ्लॉन में जो मोनोमर है वो टेट्रा फ्लूरो इथीन मतलब इथीन के चारों हाइड्रोजन हटा करके चारों फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। वहाँ सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू था, यहाँ पर सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू है। अब इनके एन मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो वैसे ही पॉलीथीन की जैसे चेन बना लेंगे, ये टेफ्लॉन बन गया, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज उन्होंने बता दिया सील्स और गैसकेट बनाने में और नॉन स्टिक सरफेस बनाने में काम आता है। फिर ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है पॉली एक्रीलो नाइट्राइल, तो एक्रीलो नाइट्राइल वही पॉलीथीन जैसी चीज़ है। अब देखो सब चीज़ें वही हो जाती थी, जैसे हम लोग स्टाइरीन में पॉलीथीन का हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन लगा दे रहे थे, विनाइल क्लोराइड में एक हाइड्रोजन हटा के सी एल लगा देते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन हटा करके सी एन लगा दें तो एक्रीलो नाइट्राइल हो गया, पॉलीमराइजेशन होकर पॉलीक्रीलो नाइट्राइल हो गया।
तो ये वूल जैसा कंपाउंड है, सो इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर ओरेलॉन एंड एक्रिलेन। ये ओरेलॉन और एक्रिलेन इनके ब्रांड नेम है, पर ये वूल जैसे फाइबर हैं, सिंथेटिक वूल बेसिकली। भाई कब तक क्या कहते हैं भेड़ मार के बाल काट काट करके ऊन बनाओगे, ठीक है ना, तो ये सिंथेटिक वूल हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हो गया। इसमें क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वही वाटर जैसा कोई मॉलिक्यूल निकालेगा। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल देने शुरू कर दिए, जैसे अब ये दूसरा एग्जांपल दे दिया, वैसे हम लोग एस्टर जानते हैं, ये है टेरिलीन का। टेरिलीन अगर तुम लोग जानते हो तो जो हम लोग कपड़ा पहनते थे, कपड़ा हम लोग पहनते हैं टेरिकॉट, तो टेरिकॉट जो है वो टेरिलीन और कॉटन से मिलके बना है। असल में होता क्या था कि पहले लोग कपड़ा कॉटन का पहनते थे, तो कॉटन में सिलवट बहुत आ जाती थी, तो ये नया कपड़ा लोगों ने बनाया टेरिलीन, नहीं टेरिकॉट नहीं बनाया, टेरिलीन बनाया। तो टेरिलीन जिसको अगर उन्होंने गुरु भाई वाली पिक्चर देखी हो, इसको केला सिल्क कहता है, ठीक है, केला सिल्क मतलब बेसिकली एक तरह का सिंथेटिक कपड़ा बनाया टेरिलीन। अब टेरिलीन के साथ अच्छी बात क्या थी कि अगर टेरिलीन का कपड़ा पहनो तो बहुत चमकता रहता है, सिलवटें नहीं पकड़ पड़ती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें समस्या क्या थी टेरिलीन में कि एक पसीना नहीं सोखता था, क्योंकि ये तो वैसा मॉलिक्यूल हो गया, कैसा सिंथेटिक टाइप का, कॉटन जैसे पसीना सोख लेता था, तो लोगों को अनकम्फर्टेबल था। तो टेरिकॉट लोगों ने कैसे बना लिया कि ऐसी कपड़ा बना लिया जिसमें 80% कॉटन है, 20% टेरिलीन है, तो टेरिलीन की वजह से वो सिलवट नहीं पड़ती और कॉटन की वजह से पसीना सूख लेता है। खैर तो हम लोग वापस पॉलीमर में आते हैं, तो टेरिलीन दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, भैया अभी थोड़ी देर यहाँ बैठो, अभी वो पढ़ाते हैं, ठीक है। टेरिलीन दो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, एक है इथाइलीन ग्लाइकॉल और एक है ट्रिप्थैलिक एसिड। ट्रिप्थैलिक एसिड बेंजीन रिंग पे दोनों तरफ COH ग्रुप लगे हों, जिसका नाम है ट्रिप्थैलिक एसिड। ये बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और इथाइलीन ग्लाइकॉल का मतलब है इथीन के दोनों तरफ OH लगे होंगे। तो इसमें दो अल्कोहल हैं, ये बाई फंक्शनल हो गया अल्कोहल की वजह से, और इसमें दो एसिड है, बाई फंक्शनल हो गया एसिड की वजह से। अब जब ये अल्कोहल इस एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक एस्टर बना देगा, और फिर ये एसिड अगले अल्कोहल से, और उस अल्कोहल का दूसरा एंड अगले एसिड से, और फिर एसिड अगले अल्कोहल से, तो ये पॉली एस्टर बन जाएगा। इसका नाम टेरिलीन है, या इसको डेक्रॉन भी कहते हैं, डेक्रॉन इसका कमर्शियल नेम है। वही मतलब जी जो हमारे ट्रिप्थैलिक एसिड के दोनों तरफ से अल्कोहल लगेगा ना, और फिर वो जो दोनों तरफ से अल्कोहल है वो उसके और एसिड लगेगा, तो एसिड पे अल्कोहल, अल्कोहल पे एसिड, तो एक बार में अल्कोहल लगेगा फिर एक बार में एसिड लगेगा, इसलिए इसका नाम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के इन्होंने दो एग्जाम्पल दे दिए, दो हेड दे दिए बल्कि अगर कहूँ तो पहला हो गया पॉलीएमाइड्स, जिसमें हम लोगों ने नायलॉन 6,6 पढ़ रखा है। तो पॉलीएमाइड्स में बेसिकली एक तरफ अमीन होगा, एक तरफ एसिड होगा। नायलॉन 6,6 के जो दो मोनोमर हैं वो ये जो मॉलिक्यूल है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CH2-4 के दोनों तरफ COH लगाओ, इसका नाम है एडिपिक एसिड, और 6 CH2 के दोनों तरफ NH2 लगाओ, इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो चूंकि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन 6,6 है, और ये आपस में एमाइड ग्रुप बना करके पॉलीएमाइड बना लेते हैं। अब इसी तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने दूसरी चीज बनाई नायलॉन 6। नायलॉन 6 में मैंने क्या किया, एक मोनोमर ले लिया, इसके मोनोमर का नाम है कैप्रोलेक्टम, ठीक, कैप्रोलेक्टम इसका मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम कैसी चीज है, 6 मेंबर की चेन है जिसके एक तरफ एसिड था और एक तरफ NH2 था। मतलब यहाँ मैं क्या कह रहा था, एक में दोनों तरफ NH2, एक में दोनों तरफ एसिड हो, बल्कि इसके बजाय मैंने क्या कर लिया, एक ही मॉलिक्यूल ले लिया जिसके एक तरफ एसिड था, एक तरफ NH2 था, और ये चेन बना करके बैठा हुआ था, रिंग बना करके, सॉरी। अब यही रिंग खुल जाती है वाटर के प्रेजेंस में और ये चेन बना लेती है। तो नायलॉन 6,6 में क्या होगा, दोनों तरफ एसिड होंगे, फिर दोनों तरफ अमीन होंगे, इसमें एक एसिड एक अमीन, एक एसिड एक अमीन एथर रिंग होगा, ठीक है। अब इनके यूजर्स हो लिए नायलॉन 6,6 तो शीट्स, ब्रश के ब्रसल्स, इस तरह के जो यूज हुए,
और नायलॉन 6 टायर कॉर्ड फैब्रिक रोप रोप इस चीज में। अच्छा ऐसे पॉली एस्टर में हमने पीछे टेरिलीन या डेक्रॉन का नाम सुना, जिसमें क्या हुआ कि एक तरफ एसिड होगा एक तरफ अल्कोहल होगा, एस्टर बना लेंगे। इसी से मिलता जुलता इन्होंने, अच्छा नहीं अभी नहीं बताया, अभी आगे चल करके बताएंगे। एक चीज़ है ग्लिप्टल, लेकिन यहाँ नहीं बताया इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल और टर्पथैलिक एसिड को 420 से 400, तो ये टेम्परेचर ये कैटलिस्ट ये नहीं पूछे जाते नॉर्मली, ठीक है ना। हाँ मतलब IIT में तो शायद फिर भी कभी ज़बरदस्ती चाहे तो पूछ लें, बोर्ड में नहीं पूछे जाते। तो भी हमें मोटी मोटी पढ़ाई, तो पढ़ाई हमेशा ऐसे करते हैं कि हमें मोटा मोटा बताओ कि भाई स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमर क्या है, नायलॉन क्या है। तो मुझे यही पता हो कि नायलॉन पॉलीएमाइड है, ये ना पता हो कि वो टर्पथैलिक एसिड और एडिपिक एसिड से बनाए, तो भी ये पढ़ाई हो गई। तो चैप्टर पूरा मुझे पता है लेकिन उसके डिटेल नहीं पता है। फिर डिटेल में जाने लगे कि भाई उसके मोनोमर क्या हैं, तो तुम्हें ये पता लगेगा कि टर्पथैलिक एसिड और एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से मिलकर बनाए। फिर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो, जो कि चाहेंगे नहीं क्योंकि वैसा पेपर में पूछा नहीं जाता है, तुमको टेम्परेचर भी याद है, तुमको कैटलिस्ट भी याद है, वाली बात आ गई, ठीक है। अब जो लास्ट एग्जांपल उन्होंने दिया वो है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। हाँ तो जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की अच्छे से पढ़ ली है उनको पता होगा कि फॉर्मल्डिहाइड का जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है उसमें कार्बन प्लस और ऑक्सीजन माइनस है, और फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड जब CH2OH पे अटैक करेगा, फॉर्मल्डिहाइड जब फिनॉल पे अटैक करेगा तो ये कार्बन यहाँ के जुड़ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो CH2OH जैसी चीज़ें बन जाएगी, यानी कि, और चूँकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर, जिन लोगों को 11th की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं याद हो उनको बता दूँ कि फिनॉल जो है वो ऑर्थो के दोनों पोजीशन और पैरा से रिएक्ट करता है, मेटा से रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसे करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप्स लग गए। अब जब हम इसको हीट करेंगे और पानी OH प्लस इन्होंने डाल दिया, यार तो ये H प्लस होना चाहिए, OH माइनस होना चाहिए, तो एक CH2OH दूसरे CH2OH के साथ रिएक्ट करके, गड़बड़ हो गई, एक CH2OH का कार्बन ये H प्लस आएगा, ये OH निकल जाएगा और ये CH2 दूसरे फिनॉल पे लग जाएगा और ऐसे फिनॉल CH2 जैसी रिंग बना लेगा, फिनॉल CH2 जैसी चेन बना लेगा। इस चीज़ को नोवोलैक कहते हैं। तो नोवोलैक कैसी चीज़ हो गई, पॉलीथीन जैसी चीज़ हो गई, लंबी चेन वाली। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ऑर्थों पे लगा, हाँ मतलब बेसिकली हर फिनॉल पे खाली दो ही चीज़ें लगी, तीसरी एक पोजीशन खाली पड़ी हुई है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो मेरा फिनॉल है वो एक्चुअली एक ट्राई फंक्शनल कंपाउंड है, इसके पास तीन पोजीशन रिएक्ट करने के लिए, जबकि फॉर्मल्डिहाइड एक डाई फंक्शनल कंपाउंड, बाई फंक्शनल कंपाउंड है, खाली दो जगह से रिएक्ट कर सकता है। तो अभी मैंने इस ट्राई फंक्शनल कंपाउंड की तीसरी वाली पोजीशन छोड़ रखी है, चेन बना रखी है, तो ये पॉलीथीन जैसी प्लास्टिक जैसी चीज़ होगी जिसको हीट करें तो मेल्ट कर जाएगा। अब जब मुझे मान लो अपना बेकेलाइट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये नोवोलैक को लेंगे, थोड़ा इसमें फॉर्मल्डिहाइड मिलाएंगे और उनको हीट कर देंगे। तो हीट करने पे क्या हो जाएंगे, जो इनके ऑर्थो वाले पोजीशन थे ये भाई, तो गलत इन्होंने बनाया डायग्राम किताब में, इनके पैरा वाले पोजीशन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और किताब में डायग्राम बनाया, ये जो CH2 है ये नीचे वाले OH पे जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब मेरी चेन आपस में उन पैरा वाली पोजीशन से रिएक्ट कर जाएंगी और अब ये एकदम एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक चीज़ बन जाएगी, अभी इतनी हार्ड होगी कि आसानी से गड़बड़ नहीं करेगी। ये तुम्हारा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, उसमें मेलामाइन नाम की एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, देख लेना। ये भी तीनों NH2 से रिएक्ट कर सकता है और फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही पहले NH2 CH2
NH2 वाला चेन बन जाता है, और फिर बाद में जो नीचे वाली चीज़ है वो भी रिएक्ट कर जाती है। तो मेरे पास मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का वैसे ही दो साइड में और एक क्रॉकरी जाती है, ये अनब्रेकेबल पॉटरी बना, तो क्रॉकरी बनाने के काम में आता है। ठीक है, अब इंटेक्ट क्वेश्चन देखें तो ये कह रहे हैं इसमें मोनोमर ढूंढो। तो देखो ये NH2 से NH, तो ये हेक्सामिथाइलिन डायामीन है और ये एडिपिक एसिड है, तो नायलॉन 6,6 है। ये कैप्रोलेक्टम मोनोमर है और तुम्हारा पॉलीमर जो है वो नायलॉन 6 है। ठीक है ना, 6 मेंबर कार्बन वाला नायलॉन 6 है। ये टेफ्लॉन हो गया CF2 डबल बॉन्ड। ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड ठीक है ना। अब फिर ये कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एडिशन और कंडेंसेशन। तो टेरिलीन में जो कि पानी निकल रहा था पॉलीएस्टर है इसलिए कंडेंसेशन। बेकेलाइट में मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया कि ये देखो OH थे CH2 के साथ ये OH थे गायब हो गए, तो इसका CH2 का OH और इस फिनॉल का H मिलके वाटर निकाल रहे हैं, इसलिए भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो बेकेलाइट कंडेंसेशन हो जाएगा, पॉलीविनाइल जो हो जाएगा वो एडिशन हो जाएगा, पॉलीथीन एडिशन हो जाएगा। इसके साथ हम लोग ये क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोपॉलीमराइजेशन और आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।